शादियों का सीजन है और फेशियल करने का टाइम नहीं है, तो बस इस पील ऑफ मास्क को बनाकर लगा लो। ये पील ऑफ मास्क एक तो आपको फेशियल वाला ग्लो देगा, साथ ही चेहरे की कई ऐसी प्रॉब्लम्स को रिमूव करेगा जो कि फेशियल भी नहीं कर पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पील ऑफ मास्क को बनाना। इस पील ऑफ मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक खीरा यानी कुकुम्बर। हम पूरा खीरा यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर ग्रेट करेंगे आधा खीरा। आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके मिक्सी ग्राइंडर में भी पीस सकते हो, लेकिन ग्रेट करके आसानी रहती है, तो आप इसे कद्दूकस कर लीजिए मेरी तरह। और फिर इसके बाद में आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए या फिर मेरी तरह से हाथों की हेल्प से इस तरीके से स्क्वीज़ करके इसका जो रस है उसको निकाल लीजिए। और आप देखोगे बहुत ही आसानी से इसका जो रस है वो भी आपको मिल जाएगा, तो ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे आराम से मुझे 3 से 4 चम्मच जो इसका रस है वो मिल चुका है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें हम ऐड करेंगे बीटरूट पाउडर यानी चुकंदर पाउडर। ये पाउडर आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो। चुकंदर को कद्दूकस कर उसे सुखाकर और पीस कर इस तरीके से पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। और बस इसे ऐड करने के बाद में आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो चुकंदर पाउडर है वो थोड़ा देर में मिक्स होता है, इसमें लम्ब्स बन जाते हैं, तो याद रहे इसको जब तक मिक्स करें जब तक इसके सारे लम्ब्स ख़त्म नहीं हो जाते। तो इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स। अब इसके बाद में आपको लेना है कोई भी पील ऑफ मास्क। मैंने यहाँ पर एवर यूथ का ग्लो गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क लिया है। आप कोई भी पील ऑफ मास्क ले सकते हो या फिर आप ले सकते हो फेविकॉल अगर आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तो। वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता फेस पे, पर फिर भी अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से मेरी तरह एक पील ऑफ मास्क ले लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसे लगातार मिक्स करिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, लगातार मिक्स करते रहना है तभी ये अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जो हमारा पील ऑफ मास्क है वो भी बनकर तैयार हो गया है। इस पील ऑफ मास्क को मैं आपको अपने फेस पर भी लगाकर दिखाऊंगी कि कितनी इजीली अप्लाई हो जाता है, साथ ही सूखने के बाद छूट जाता है। तो किसी ब्रश या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से आप इसे इवनली 2 लेयर में लगा लीजिए। आप देख सकते हो अभी मैं 1 लेयर पूरे फेस पर लगाऊंगी, इसके बाद में इसके ऊपर से आपको एक और लेयर लगानी है। ऐसा करने से इसे छुटाने में आसानी रहेगी। अगर पतली लेयर आप लगा लेंगे तो इसे इजीली छुटा नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी इसको छुटाने में। आप इसे लगाने के बाद में पूरे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए या फिर ये जब तक पूरी तरह से नहीं सूख जाता तब तक इसे ऐसे ही रहने दीजिए। और जब आपका ये पील ऑफ मास्क सूख जाएगा तो इस तरीके से पील कीजिए उसको जैसे कि मैं दिखा रही हूँ वीडियो में। आपको इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में इसे पील नहीं करना है, जैसे लगाया था उसी डायरेक्शन में आपको इसे पील करना है। और आप देखोगे बहुत ही ईजीली ये निकल जाएगा, साथ ही आप इसे जब रिमूव करोगे अपने फेस से तो आप देखोगे कि जो आपका फेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता जा रहा है। आपके फेस से डस्ट डर्ट इम्प्योरिटी सारी रिमूव हो जाएंगी इसको छुटाने के बाद में। आपकी नाक के आसपास की जो ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो एक जो फेशियल होता है वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाता, काफ़ी सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप इस पील ऑफ मास्क को अकेला लगाओगे तो ये सारे काम कर देगा जो फेशियल करता है और ये सच में बहुत ही अच्छा ग्लो देता है। मैं लास्ट में अपने फेस को वॉश करके भी दिखाऊंगी कि इसने मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लीन कर दिया था। तो आप देख सकते हो जब मैंने पील ऑफ मास्क अप्लाई किया था और जब हटा के धोया है तो मेरा फेस जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन और गोरा लग रहा है, आप देख ही सकते हो। और एक अलग ही ग्लो आ जाता है फेस पर इसे लगाने के बाद में। तो आप एक बार इस पील ऑफ मास्क को ज़रूर बनाकर देखिएगा, ये सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा कि आपको इसने किस तरीके का ग्लो दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।